हेलो दोस्तों, आप सभी के इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, निफ्टी मेटल यह इंडेक्स जो है हमारे देश की जो टॉप कंपनियां हैं जिनका निफ्टी 500 पर वेटेज जो है वह काफी ज्यादा है, वे टॉप कंपनियां जो है वह किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उसके ऊपर जो है यह दर्शाता है। अगर हमारे निफ्टी मेटल इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं तो उसका लिस्ट जो है आपके सामने जो है वह ओपन है। इसमें अदानी इंटरप्राइजेस, टाटा मेटल, JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री, वेदांता, जिंदल स्टील एंड पावर, APL, अपोलो पाइप्स एंड ट्यूब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है वह प्रमुख है। अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स इसमें प्रमुख दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस, इसका 24% हिस्सेदारी है, टाटा स्टील का 20% और JSW स्टील का 15%। इसके अलावा हिंडाल्को है, उसका भी 14% की हिस्सेदारी जो है वह ओपन है। अब यह बात कर लेते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का। निफ्टी मेटल इंडेक्स है, इसका चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर आना है और निफ्टी मेटल इसे जो है वह सर्च करना है। निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है आपके सामने जो है वह ओपन हो जाएगा। अब चलिए सबसे इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। यह आपके सामने इसका मंथली चार्ट जो है वह ओपन है। दोस्तों, मेटल सेक्टर जो है एक साइक्लिक सेक्टर है, यानी जब इसमें तेजी आती है तो अंधाधुंध तेजी ही आती है और जब इसमें मंदी आती है तो उसमें मंदी आती है और रेस्ट ऑफ द टाइम बाकी समय में यह एक रेंज में ही रहता है। जैसे अगर आप उसी के हिसाब से इसका जो है चार्ट भी आपको दिखेगा, आप देखेंगे कि जब इसमें ये गिरावट आती है तो एक तरफा गिरावट आती है और जब तेजी आती है तो एक तरफा आती है। यानी अगर आप मेटल सेक्टर है उसके अगर साइकिल को अगर आप जानने लगे तो आप बहुत अच्छा पैसा जो है वह बना सकते हैं। अभी यह सेक्टर जो है वह किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में गिरावट है, उसके बाद मेटल सेक्टर जो है उसमें काफी ज्यादा तेजी जो है वह देखने को मिली। लोग सोच रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वह काम नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और जिन लोगों ने इस समय जो है इस मेटल सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया होगा उन्होंने अंधा पैसा जो है वह बनाया होगा। उसके बाद जो है मई 2021 के बाद इसमें बॉटम आउट जो है वह होने लगा और एक रेंज पर ही ट्रेड जो है वह करने लगा। उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी आई, लेकिन उसके बाद जो अप्रैल 2022 के बाद से इसमें बहुत ज्यादा तेजी जो है वह गिरावट का दौर जो है वह देखने को मिला। इसके बहुत सारे कारण थे, इसमें रशिया यूक्रेन का वॉर भी शामिल था। उसके बाद अभी जो है एक तेजी आई और अभी एक रेंज में जो है वह ट्रेड कर रहा है। मेटल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जो चार पांच कंपनियां हैं उसी के चार्ट के आधार पर जो है इसका चार्ट भी जो है वह तय होता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन उनका वेटेज जो है वह कम है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है अभी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, शेयर ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना कि नीचे की ओर, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो यह अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। दोस्तों, अगर मेटल कंपनियां जो है वह अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके चार्ट में का प्रभाव भी इस सेक्टर की कंपनी पर पड़ता है, लेकिन मेटल में जो तेजी होती है वह दूसरी इंडस्ट्री है उसके लिए अब काफी अच्छी नहीं है। लेकिन इसकी तेजी जो है हमें यह दिखाती है कि हमारे देश की विकास दर जो है वह किस ओर जा रही है। जैसे अगर मेटल सेक्टर जो है वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री है उस पर मेटल की डिमांड जो है वह बढ़ रही है। मेटल का उपयोग अधिकांशतः इंडस्ट्री में होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी होगी, कारखाने जो है वह बनेंगे तो उसका प्रभाव जो है इस इंडेक्स पर भी पड़ता है और यह इंडेक्स जो है वह अच्छा प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जो है वह सीखने का मौका मिला होगा। अगर हाँ तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।